उर्दू का प्रैक्टिस सेट 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज ज़ैल में से कौन सा सवाल इनमें से दर्ज ज़ैल में से कौन सा सवाल बच्चों की जुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन होगा। तो आप बात किसकी कर रहे हो कि जुबान की सलाहियत के इजाफे में, लिंग्विस्टिक स्किल के सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा मुआविन, मददगार जो साबित होगा। तो फर्स्ट क्या है कि हाँ, लफ्ज तरजीह के इस्तेमाल से एक जुमला बनाना, कि तरजीह है तो तरजीह के इस्तेमाल को से लेकर एक जुमला तैयार करना, या फिर दूसरा अपनी और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना, या मुतल्ला करदा नज्म के खालिफ का नाम लिखना, या ऑप्शन अपनी पसंदीदा किताबों में से किसी एक का नाम। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड। एक साथ तीन सवाल के जवाब को हम तीन सवाल होने के बाद देखेंगे इसका जवाब। नेक्स्ट है, दर्ज ज़ैल में से कौन बच्चों की जुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है, कि बच्चों की जुबान के हासिल करने में, हुसूल में मददगार कौन होता है? पहला है कि घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, दूसरा है कि बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, तीसरा दूसरे बच्चों के साथ खेलना, और चौथा घर का माहौल जहां बच्चे को बोलने की आज़ादी नहीं है। तो इक्तिसाब में ऑप्शन जी था ऑप्शन नंबर सी, जीम सर, थर्ड, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, अलिफ बड़ों से, इसका भी बाद में देखते हैं। ये सवाल के बाद, आमोजगार किस तरह जुबान का इक्तसाब करता है, जुबान कैसे हासिल करता है, जुबान की साख का तजिया करके, एनालिसिस करके, स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, या जुबान के अदब का मुताला करके, या जुबान के बोलने वालों की सकाफत का मुताला करके, या फितरी तामुली माहौल में जुबान को बरत कर। ऑप्शन फोर्थ सर, और फितरी तामुल में और उसके अलावा हम इसके जवाब देखते हैं। तो पहले का सबसे पहला जो सवाल हमने देखा था उसका बे जवाब जिसने दिया था सही है, कि जुबान की सलाहियत के इजाफे में सबसे ज्यादा जिन जिन्होंने दिया था जवाब, तो सही जवाब है कि अपने और अपने वालिदा के दरमियान होने वाला मुकालमे को तहरीर करना, और ये सिर्फ एक जुमला बनेगा, खालिफ का नाम खत्म हो जाएगा, नाम 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 है ये दोनों, और जुमला सर आपकी आवाज मुकालमा, नहीं आ रही सर। और ये ज्वाइन ऑडियो कर सकते हैं आप आवाज ना आने की वजह से, जिसको आवाज नहीं आई तो ज्वाइन ऑडियो एक मरतबा करके देखें। तो बाकी सबको आ रही है क्या आवाज? हाँ, और बाकी सारे जो है तो जिस जिसको नहीं आ रही है तो वो एक मरतबा ऐसे कर सकते हैं कि एग्जिट होइए जूम से और बाद में रीज्वाइन कीजिए। तो ये वाला सही जवाब रहा। उसके बाद में सेकंड है कि इसमें से कौन से बच्चों की इक्तिसाब में मुआविन होता है, कि दर्ज ज़ैल में से कौन बच्चों की जुबान के इक्तिसाब में, मतलब जुबान के हुसूल में मददगार होता है। पहला है कि घर और उसके आस पड़ोस की बातों को सुनना, कि घर और उसके अतराफ की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने कहना, ये जो था इसका जवाब जो है तो सी है, दूसरे बच्चे के साथ खेलना ये सही जवाब है जिन्होंने जवाब दिया था। तो ये सवाल का जवाब भी सही, और नेक्स्ट इसका जवाब क्या दिया था कि फितरी तामुली माहौल में जुबान को बरत कर, और उसके अलावा हम थर्ड का जवाब देखते हैं। सर आपकी आवाज,
तो थर्ड का जो है तो डी सही है जवाब, फितरी तामोली माहौल में जुबान को बरत कर, कि फितरी तामोली इंट्रैक्शन मिलेंगे वहां पर, सोशल इंट्रैक्शन, वहां पर जुबान को इस्तेमाल में लाकर। उसके बाद में है नेक्स्ट फोर्थ, जुबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती, किसकी अहमियत नहीं होती सीखने में, तरतीब की या खुद एतमादी या आमोजिश या रवैये की या तर्जुमी। ऑप्शन नंबर 4 सर। तर्जुमे की अहमियत नहीं होती है उसके अलावा। बाकी और जवाब फोर्थ का, फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है, तर्जुमे की कोई अहमियत नहीं होती, जुबान सीखने में तर्जुमे की अहमियत नहीं होती, खुद एतमादी की जरूरत होगी, आमोजिशी रवैये की, सीखने के रवैये की जरूरत है, और तरतीब की भी है लेकिन तर्जुमे की नहीं है। ये सही जवाब है आपका। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ, जुबान के सबक की तदरीस के दौरान उस्ताद को साइंस और समाजी उलूम के अजबाक में जेरे बहस लाना और तुलबा को वो मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये जुबान के सबक के साथ मरबूत यानी कि जुड़ा हुआ होता है। इस तरह का अंदाज़े नज़र क्या होता है कि जुबान का सबक है तो जुबान के सबक को पढ़ा रहे हैं टीचिंग के दौरान, ड्यूरिंग टीचिंग, के उस्ताद क्या कर रहे हैं साइंस और समाजी उलूम के अजबाक में जेरे बहस ला रहे हैं, मतलब किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी वो उस पर चर्चा कर रहा है या उस पर बातचीत हो रही है, जेरे बहस ला रहा है, और वो तुलबा को मवाद पढ़ने के लिए कहना चाहिए क्योंकि ये जुबान के सबक के साथ जुड़ा हुआ है, कि अगर उर्दू पढ़ा रहे हैं उर्दू के साथ अगर साइंस का कोई मुकालमा या फिर कोई चीज़ आ गई या उसमें फंसी उर्दू इस्तेमाल हो गई तो उसको पढ़ने लगा रहे हैं ताकि उसके साथ वो जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का अंदाज नजर क्या होता है। पहला ये है कि निसाब से परे जबान की सिलेबस से हटकर जुबान, जुबान की तकसीरी तदरीस के मल्टी, जैसे कि कसीर लिसानी है तो तकसीरी एक से जायद तदरीस, और मजमून जुबान की तदरीस के मजमून जुबान की तदरीस हो रही है, बैनुल उलूमी जैसे बैनुल अकवामी होता है, कौम मतलब एक अकवाम नेशन, तो बैनुल अकवामी इंटरनेशनल, तो बैनुल उलूम उलूम इल्म और सारा उलूम बैनुल उलूम, तो क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अली। अलिफ निसाब से परे जुबान और तकसीरी दान तदरीस और तो उसका फर्स्ट वाला सही जवाब है निसाब से परे जुबान के सिलेबस से हटकर उसको कहा जाएगा निसाब से परे जुबान, ये कहा जाएगा लेकिन वो उसका पार्ट होती है, लेकिन ये जो साइंस और समाजी उलूम हो गया ये तो उर्दू वगैरह नहीं है, तो ये जुबान निसाब से परे जुबान सिलेबस से हटकर, क्योंकि उसमें से नहीं लिया जा रहा, क्योंकि एक कंटेंट तो दिया होता है ना फिक्स ऑथेंटिक कंटेंट, जैसे कि बुक्स हो गए वगैरह, तो इसके अंदर एक ऑथेंटिक मवाद तो है कि इसके थ्रू ही करना है, लेकिन उसको मिसाल दे रहे हैं तो उससे हटकर दे रहे हैं, तो इस वजह से वो करिकुलम से हटकर निसाब से परे जुबान हो गई। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में जुबानों के कितने खानदान हैं, इसके ऊपर सवाल पहले आ भी चुका है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी आठ चार को 10 लगा किसी को 8, चार आठ आठ चार सर। तहसीन को चार, तो कौन कौन से चार नाम भी बोलना है सबको, 10 है तो 10 के नाम, 8 है तो 8 के, और 4 है तो 4 के। हाँ हिंदुस्तान मतलब हिंड के तौर पे आ रही है वगैरह ऐसे तो तौर पे जो आती है जुबान। सर हिंद, यूरोपी, सामी, दारवाड़ी और यूरोपी सामी और दारवाड़ी इस तरह से, तो और देखते बंटू। हैं
तो उसका बी चार वाला सही जवाब है। तो इस पर सवाल आता है, इससे पहले आ भी चुका है एक बार, तो आप कौन कौन फिर से। सी? हाँ तो तहसीन फिर से बोल के बताइए। हिंदी, सामी, यूरोपी और उसके अलावा क्या था? तो इससे पहले भी हमने इस पर लिया था, जुबान के खानदान के ताल्लुक से, पिछली जो क्लास थी मतलब लास्ट टाइम। खानदान ये उर्दू में, इसके ऊपर हमने इससे पहले ये डिस्कस किया था। ऐसे तो ये अलग अलग खानदान आते हैं, लेकिन जो चार खानदान है हिंदुस्तान में, ये वाले अलग अलग है। ये वाले इसके अंदर हमने देखा था, ये देखिए ऊपर से दिखेगा हिंद यूरोपी, मतलब हिंद यूरोपी ये एक हो गया, उसके बाद में सामी दूसरा, दरावड़ी, और इसके अंदर देखना बहुत सारे पहले वीडियो में मौजूद थे लेकिन वो अभी भूल गए। देखिए ये वाले हैं, हिंद यूरोपी, सामे, दरावड़ी और बांतू, इस तरह से ये चार लिख सकते हैं जो लिखना चाह रहे। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर उसके अंदर सब खानदान निकलते हैं और उसका, हाँ बांतू, हाँ बे से यहाँ पर है बांतू इस तरह से। हाँ उसके बाद एक डेफिनेशन भी उस पर पहले भी लिखाई हुई थी सबको, तो वो भी लिख लेना है। ऐसा मजमुआ नंबर माखज किसी जमाने में एक ही था मुशाबहत, ये वाला नहीं है डेफिनेशन के आगे। ये देखिए इस तरह से बाकी जुबानों में ऐसे अलग अलग निकलते, जैसे अल्बानी है तो अल्बानी में हिंद आ रही, पशाची ईरानी, उसी तरह से हिंद आर्य के अंदर अलग निकलते संस्कृत, प्राकृत, ऐसे तो ऐसे बनता चलता है सिलसिला। जदीद आर्य, मतलब हिंद आर्य से संस्कृत प्राकृत, और प्राकृत में जदीद आर्य, और जदीद आर्य में उर्दू या हिंदी, पंजाबी, सिंधी, बहारी, बिहारी, राजस्थानी और गुजराती वगैरह, ये कहाँ पर आएंगे? हिंद आर्य के अंदर आएंगे, अल्बानी की कैटेगरी के अंदर में। ये चीजें अलग है, दूसरी जुबान है जिसके सब कैटेगरीज निकलते हैं, लेकिन चार जुबानें वो डायरेक्ट याद रखना। और द्राविड़ खानदान में भी ऐसे निकलते हैं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ी, मलयालम, ब्राहुई, इस तरह। ये लिखने में कंफ्यूज हो सकते हैं ये वाले, लेकिन एक शॉर्ट शॉर्ट में चलते चलते आप लिखना चाह रहे तो हाँ स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में उसमें से ले लेना है। और यहाँ पर जो बात की गई, तो ये हो गया वीडियो से उसको कंप्लीट कर ठीक लेंगे, तो ये हो गया चार। क्या बोले, ये ये क्वेश्चन पेपर सही थे। क्वेश्चंस है अलग अलग, मतलब क्वेश्चन पेपर तो नहीं, प्रैक्टिस सेट है ये, और पिछले क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हुए हैं इसमें से बहुत सारे। तो ओवरऑल 360 डिग्री में अगर हमको इसकी स्टडी करनी है उर्दू की, तो इसके लिए हम इसका एक निचोड़ इसमें से पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि उसमें 15 15 आते हैं, 15 में से भी मतलब डायरेक्टली पेडागोजी के उसके जो रहते हैं, 15 मार्क्स का तो पैसेज और नज़म को चला जाता है, फिर 15 में कुछ रिपीट होते हैं, तो नए नए पैटर्न के सवाल के लिए हम ये इसको फॉलो कर रहे हैं। इसमें तकरीबन चीज़ें कवर हुई है। नेक्स्ट है कि जुबान की आमोजिश के वकूफ़ी तनाजुर का जोर होता है किस पर होता है? जुबान हाँ की सीखने के वकूफ़ी हाँ तनाजुर, हाँ
अच्छा ऑप्शन नंबर बी सेकंड वाला। अच्छा गलतियां जुबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है, और इसके अलावा भीम खौफी तनाजुर का मतलब क्या हो रहा है? अंडरस्टैंडिंग होगा क्या? इम्फेसिस वगैरह अपने आएगा, वो इम्फेसिस और देना। जोर देना मतलब एम्फसाइज करना। बोले हाँ, और पर्सपेक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड हो सकता। हाँ, जुबान के सही है। आमोजिश के खौफी गलतियां जबान के तनाजुर। आमोजिश का जोर। जबान के आमोजिश के बखूबी तनाजुर का जोर। हाँ, जवाब देकर उसको म्यूट करते जाना है। फिर आप दूसरे जो बोल रहे थे, बोलिए अभी क्या बोल रहे थे, कोई और सवाल पूछ रहे सेकेंड थे। जीम जीम सेकंड, गलतियां जुबान के आमोजिश अमल का हिस्सा। तो देखते हैं इसमें सेवेंथ का, उसका बे सही है। गलतियां जुबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है, ये सही जवाब। ये गलतियां जुबान के आमोजिशी अमल का हिस्सा है, तो ये पॉजिटिव है और हर मरतबा आता रहता है। और आदत डालने का अमल, ये डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं आता कि गलतियों की आदत डालना, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा मुकालमे को याद करने, दोहराने की हौसला अफजाई। तो याद करना रटने में, रोट मेमोराइजेशन में आता है, रिपीटेशन, तो ये नेगेटिव। और फौरी इसलाह, जैसे हमने कल देखा था, तो जल्द अज जल्द नहीं करना है इसलाह। उसके बाद एट है कि जुबान की आमोजिश में सबसे अहम क्या है? सरगर्मी शीट, निसाबी किताब, या मुआविन दरसी किताब, या अदब अतफाल। दर्सी किताब कल ये सवाल में से जीम सर साबी किताब जीम्स सॉरी आओ आवाज दर्जी बंद किताब। है। ऑप्शन नंबर सेकंड निसाबी किताब। उसके अलावा कल भी इसके ऊपर एक सवाल आया था, तो उसका डी, जिसका जवाब अदबे अतफाली था। एक दिन में भूल गए तो 7 जुलाई तक कैसे याद रखने वाले सब। तो जुबान के आमोजी इसमें सबसे अहम अदबे अतफाल ये रहेगा। तो नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी पहली जुबान कुदरती तौर पर हासिल करता है, सीखता है, या नकल करता है, तकवीत पहुंचाता है। सीखता दाल नकल है, करता सीखता है। दाल सर देखता है है। और उसके अलावा जी नकल पहली जुबान सीखता है, और उसके अलावा नकल करता है, और उसके अलावा कोई जवाब करता हासिल करता है। उसके अलावा नकल हो सकता। ये उसका जवाब है, ए, हासिल करता है। तो ऐसा लग रहा है कि पढ़ाने की जरूरत नहीं, सब अपने अपने हिसाब से जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा से बताते आए कि ये अर्जन करना, या फिर हासिल करना, या फिर एक्विजिशन, मतलब अलग अलग टर्म में भी ये पहली जुबान हमेशा हासिल की जाती है, उसको सीखी नहीं जाती। और नकल करना वगैरह, ये नकल नहीं की जाती उसको। तो हासिल, हुसूल, इक्तसाब, अर्जन, एक्विजिशन, इतना पढ़ के फिर मतलब ये वाले का नहीं आ पा रहा, ऐसी बात हो जा रही है। तो ये वाला, ये दो सवाल ऐसे थे जिसको पहले ये रिपीट भी हो गए, और 2 से 4 मरतबा, 5 मरतबा, बहुत बार हुआ। हिंदी के अंदर भी हो रहा है ये, और इंग्लिश में भी होते रहता है। तो कभी भी याद रखना है कि पहली जुबान जो है, तो वो हासिल की जाती है, हुसूल, जुबान का हुसूल, इक्तसाब, और एक्विजिशन, अर्जन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। उसके बाद 10वां है कि इसमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? सही जवाब,
कि बच्चे जब स्कूल आते हैं तो एक खाली स्लेट की तरह होती है, ब्लैंक स्लेट, स्लेट की तरह। और उसके अलावा बच्चों को बहुत सी अल्फाज रटाने के बाद जुबान की तालीम देनी चाहिए। फिर पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, या बच्चे तजुर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। लास्ट ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ अली तजुर्बात का खजाना लेकर। उसके अलावा अली अलीफ ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, और इसी तरह से फोर्थ फोर्थ आंसर पॉजिटिव है। तो उसका जवाब है लास्ट, तजुर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल में आते हैं। मतलब जो सीखे होते हैं अपने लेवल पर, तो वो चीजें मतलब वहां पर वो लेकर आते हैं। उसके बाद अब ये सवाल पढ़िए। अच्छा हाँ माहौल, घर का माहौल, घर का, यस सर, घर का ऑप्शन माहौल। डाल, घर गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल हो, घर का माहौल। और इसके अलावा इसको तीन सवालों को डायरेक्ट देखना एक साथ। कौन सी जुबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? दाल सर, दूसरी जबान, यस सर, दाल दाल हाँ, उसके अलावा आप ये दाल सीखने के, जुबान सीखने के हवाले से इसमें से कौन सा सही है? बेसर, ऑप्शन बे सर, सही बे हाँ। सर, तो इसको अभी यहाँ से देखते हैं, 11 से इसको बंद कर दीजिए। तो 11th वाले का डी ये सही है कि गैर रस्मी तौर पर घर का माहौल, कि जहाँ पर मतलब रूल उसूल कायदे टाइम टेबल वगैरह वो नहीं रहेंगे, गैर मुनज्जिम, और ये मुनज्जिम या फिर रस्मी माहौल जहाँ पर जब सीखने की बात आती है तो जब भी सीखना होता है आकलन, या फिर सीखना तो टारगेट लैंग्वेज या दूसरी जुबान ये आ जाएगा, और उसके बाद जुबान सीखने के हवाले से दुरुस्त। तो इसमें डी सही जवाब है कि हर बच्चे में जुबान सीखने की पैदाइशी सलाहियत होती है। बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, उन्होंने भी ये कहा हुआ है। नेक्स्ट है, जुबान सीखने के लिए इसमें से कौन सा सबसे अहम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट? सामाजिक तामुल, किताबें पढ़ना, फिल्में या ड्रामे देखना, तदरीसी आमोजिशी मवाद, टी एल एम। अलीफ सर, अलीफ। अलीफ उसके अलावा अलीफ सर, हाँ, तो उसका अलिफ सही जवाब है। सामाजिक तामुल यानी कि सोशल इंटरेक्शन, जुबान सीखने के लिए अतराफ, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट उसका रहेगा। उसके बाद में है 15th, कि पहली जमात की जुबान की निसाबी किताबी हुर्फ तहजीद दो हुर्फी, सह हुर्फी अल्फाज और फिर कहानी और नज्मों से शुरू होती है। तो इस निसाबी किताब में कौन सा अंदाज अपनाया गया है, कि फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो जुबान है लैंग्वेज, तो वो निसाबी किताब हुर्फ तहजीब दो हुर्फी, सह हुर्फी और फिर कहानी नज्मों से शुरू होती है। तो सर दाल नीचे से ऊपर का और बॉटम अप, सर बॉटम अप अप्रोच, नीचे टॉप डाउन अप्रोच, दर्शियाती से खाका। ऊपर का सर, नीचे से ऊपर बॉटम 15 का हम देखते हैं तो डी है, डी बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर, बॉटम अप अप्रोच, जिसके अंदर जो है तो के कल हमने जो देखा था क्या था उसमें हुर्फ, फिर उसके बाद क्या सर। था हुर्फ के बाद में, नहीं लफ्ज, अल्फाज, हाँ लफ्ज, फिर रुकन और फिर और क्या था, जुमला। तो वो हिसाब से हुर्फ तहजी दो हुर्फी, सह हुर्फी और फिर कहानियां नज़में, जो कि जुमले तक का इस तरह से रखा हुआ है। तो ये हो गया बॉटम अप। उसके बाद में नेक्स्ट है कि एक बच्चा बुनियादी तौर पर बेसिकली जो मादरी जुबान सीखता है कैसे, बोलकर लिखकर रस्मी आमोजिशी माहौल में सुनकर। डाल सर, सुनकर, सुनकर, जी सुनकर, डाल सर, सुनकर, सुनकर।
16 का डी बिल्कुल सही है सुनकर, ठीक है, पहले सुनेगा उसके बाद उसको बोलेगा। और रस्म आमोजिश यानी के वही स्कूल ही हो जाएगा जिसे ऊपर जो देखा था इस तरह से। नेक्स्ट है 17, पहली जुबान को फरोग देने से उमूमन क्या मुराद लेते हैं, कि फर्स्ट लैंग्वेज को अगर आप फरोग दे रहे हैं तो आमतौर से क्या मुराद है उसका, फरोग, वकूफ, आमोजिश, अपने आप सीखना। फोर दे आप अपने आप सीखना क्वेश्चन फोर सर और उसके अलावा ऑप्शन फोर रामोदिश नहीं, फोर्थ अपने आप सीखना, आमोजिश मतलब फिर से वही सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, सीखना, आकलन, ये सब आ जाएगा कि वो सीखने में आमोजिश होता है, हदफ जुबान सीखी जाएंगी आमोजिश का, और ये फिर से पहली जुबान अपने आप को सीख पा सकेंगे। वकूफ का क्या देखा था हमने, वकूफ का मतलब क्या आ रहा है, इससे पहले जो ऊपर गया था तो हमने देखा था उसका वकूफ यानी पर्सपेक्टिव क्या था लोगों उसके की अंदर। जो जिस खुद को चाहिए ना वो चीज अपने को भेज के नहीं देंगे, जो हाँ अड़चन बस नहीं ना वो बड़ा बच्चे के पास चली गई, ये चीज उसको पसारा वसारा आ जाएगी उनको मिले कुछ नहीं होता। हाँ सब अड़चन जो लोग जो है तो जवाब नहीं दे रहे तो म्यूट करके रखना है। मतलब इसके ऊपर हमने जो देखा था यहाँ पर था वकूफ, ये वकूफ ही तनाजुर तो वही, ये अलग ठीक था, अब ये वकूफ मतलब स्टैंड लेना ऐसा आ रहा है एक हिसाब से, फरोख देना मतलब उसके लिए मुराद में आ रहा था ये। ओके हाँ तो बेवकूफ अगर कह दिया जाए तो मतलब उसको मालूम नहीं, और वकूफ मतलब पा लेना ऐसे में मुराद, तमीज हासिल कर लेना ऐसा हो जाएगा, कि जिसको तमीज नहीं है तो बेवकूफ, और तमीज यानी वकूफ ऐसे में लियाकत, हाँ काबिलियत, अहलियत, तो इस तरह से दो चीज हो गई। उसके बाद अब काफी 18, इसका जवाब अपने आप सीखना, 17 का अपने आप सीखना, ये पहली जुबान यानी कि डायरेक्टली अपने आप सीखी जाती है। उसके बाद पहली जुबान के उस्ताद के क्लास में अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का टीचर है तो उसकी क्लास में मुख्तलिफ मादरी जुबान बोलने वाले, ये अलग अलग कल्चर से डाइवर्स जुबान बोलने वाले बच्चे हैं, और उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी जुबानों में आदाब वो तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, तो आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है, इस तरह तुलबा रोज मुख्तलिफ जुबानों के नए अल्फाज से मुतारिफ होते हैं, और इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, तनु बतौर हिकमत अमली यकल लिसानियत कसीरुल लिसानियत बतौर माखज बहुत सी जुबानें जानना। सर जीम जीम सर ऑप्शन जीम सर सर जीम कसीर कसीर लिसानियत लिसानियत बतौर बतौर हम माखज कसीर कसीरुल लिसानियत, लिसानियत बतौर तो इसका देखते हैं 18, तो उसका जीम बिल्कुल सही है, कसीरुल लिसानियत बतौर माखज समझने के लिए, फिर एक जान मतलब डायरेक्टली जानना ये था कि इसका मतलब था कि उसको सीखना, मतलब बहुत सी जुबानों को जानना ये मकसद में आ जा रहा था, तो ये नहीं है, बतौर माखज में कसीरुल लिसानियत होना, और यक लिसान मतलब एक जुबान, तो ये तो नहीं रहेगा। तनो बतौर हिकमत अमली ये भी नहीं। नेक्स्ट है कि दर्ज ज़ैल में से कौन आमोजगारों को जुबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है, 18 18 का क्या बोला आपने एक बार बोली का कसीरुल लिसानियत बतौर हाँ सर माखज़ यानी कसीर यानी एक से ज्यादा हाँ जुबान, सही है सर हाँ ये ठीक वाला सही जवाब है। उसके बाद है कि इसमें से कौन आमोजगारों को जुबान से मुतारिफ कराने का मिसाली तरीका नहीं है, मतलब सारे रहेंगे एक छोड़कर, हुरूफ तहजी के हुरूफ की तदरीस बोलने और सुनने में शिरकत, नहीं और नज्म और गाने मुस्तमिल लफ्ज और छोटे जुमले, ऑप्शन बी तो 19 का चेक करते हैं,
उसका ए है। ये इस तरह से है कि है हुरूफ तहजी के हुरूफ की तदरीस, यानी हुरूफ तहजी जो है तो उसके हुरूफों की तदरीस, उसको पढ़ाना। ये मिसाली तरीके में नहीं आ रहा, जबान से मुतारिफ बाकी हाँ जुबान से मुतारिफ जब करवा रहे हैं तो मिसाली तरीका ये है कि बोलने और सुनने में शिरकत, नज्म और गाने जिससे जो है तो वर्ड्स नए नए आ जाए, मुस्तमिल लफ्ज और छोटे जुमले, जिसमें मुस्तमिल से क्या मुराद रहेगा, इस्तेमाल से मुस्तमिल शायद बना होगा कि इस्तेमाल में लाने वाली, ऐसा कुछ हो सकता है। इस्तेमाल हाँ ज्यादातर वही रहेंगे। हाँ उसके बाद नेक्स्ट है कि मादरी जुबान पर मुबनी कसीरुल लिसानियत क्या है, कि फर्स्ट लैंग्वेज पर बेस्ड जो कसीरुल लिसानियत है मल्टी लिंग्विजम, तो वो क्या है, पहले मादरी फिर मजीद जुबानों की आमोजिश, बहुत सी जुबानों और गैर मुल्की जुबानों की मादरी जुबान के तौर पर आमोजिश, और सिर्फ मादरी सर जुबान की आमोजिश या अलीफ मादरी जुबान। अलीफ दाल है सर, दाल है मादरी दाल, लो मस्जिद जबानों के आमोजिश। एक एक यस से सर, पढ़ो, एक मादरी एक से। मादरी जुबान जबान है के जरिए आमोजिश, आमोजिश के तौर हाँ जबान के सही। तौर दाल दाल। ऑप्शन फोर्थ सर, तो उसको चेक करते हैं, तो 20 का है फर्स्ट, मादरी जुबान पर बेस्ड जो सही कसीरुल लिसानियत है, तो फर्स्ट जिसने दिया है सही जवाब है कि पहले मादरी जुबान फिर मजीद जुबानों की, पहले मादरी फिर मजीद जुबानों की आमोजिश, तो ये तो मतलब डायरेक्टली मादरी जुबान पर मुबनी कसीरुल लिसानियत, यानी कि ये हो रहा है कि मादरी जुबान पर मुबनी यानी कि मादरी जुबान का जहाँ पर इस्तेमाल आएगा उस पर बेस्ड ज्यादा जुबानों को सीखना, तो यहाँ पर पहले मादरी आ गई उसको वो एक्तसाब में आ गया, यहाँ पर ऐसा नहीं कि दोनों की आमोजिश हो रही है डायरेक्ट, तो वैसा नहीं था कि पहले मादरी जुबान की जरिए मतलब हेल्प में लाते हुए मजीद जुबानों की आमोजिश, उसका मतलब ये है। दूसरा ये क्यों नहीं हुआ कि बहुत सी जुबानों और गैर मुल्की जुबानों की मादरी जुबान के तौर पर, कि उसको फर्स्ट लैंग्वेज कहकर कोई सीख तो नहीं सकता दूसरी जुबानें भी, कि पहले उर्दू सीख लिया मादरी जुबान के तौर पर तो किसी के भी मादरी जुबान कोई एक रहेंगी हिंदी उर्दू वगैरह, तो इस तरह से तौर पर आमोजिश ये नहीं रहेंगी, तौर पर मादरी जुबान में आमोजिश नहीं रहेंगी इसलिए। और जीम क्या था कि सिर्फ मादरी जुबान की आमोजिश, तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि मादरी जुबान की आमोजिश नहीं होती इक्तसाब होता है, और मादरी जुबान के तौर पर आमोजिश जो आया था, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी को मादरी जुबान के जैसे अगर सीखना है तो जब वो आमोजिश में सोशल इंटरेक्शन से सीख भी सकता है, कभी कभार वो पॉजिटिव में आता है, हाँ माहौल से सीखना, खुद से सीख लेना में उसको कहते हैं, वो जो आगे चलकर हम देखेंगे उसको कुछ और टर्म भी दिया जाता है फिर बाद में सीखने के लिए। और ये वाला कि मादरी जुबान के जरिए आमोजिश, कि मादरी जुबान है उसके जरिए आप सीखेंगे, तो सीखेंगे यानी कि सिर्फ यहाँ पर जुबानों का जिक्र नहीं हुआ, तो जो कि यहाँ पर था कि मजीद जुबानों की आमोजिश। क्योंकि मजीद इसलिए आया क्योंकि कसीर है यहाँ पर, कसीर लिस्सा ने कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ डिपेंड नहीं था कि आप ये कर रहे हैं कसीर। नेक्स्ट है 21 के, कुल जुबान के नजरिए से क्या मुराद है, कुल जुबान, कुल तो मतलब वैसे तो टोटल होता है, तो टोटल लिंग्विस्टिक ऐसे कुछ के नजरिए से क्या मुराद है, परस्पेक्टिव से उससे, कि अलिफ है कि एक मफरूजा जुबान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हुरफ तहजी से शुरू होती है, और मफरूजा जुबान मतलब क्या होगा, जो लर्न कर रहे हो मफरूजा, यानी फर्ज किया हुआ ना, मतलब जो हम सीखना चाह रहे वही। हाँ काल्पनिक भी ले सकते हो उसको, एक इमेजिनरी, काल्पनिक होगा ना, फर्ज फर्ज किया हुआ, की हुई, तस्लीम हाँ किया हुआ, मतलब हाइपोथेटिकल जिसको कह सकते हैं, कयास आ रही के तौर पर, कि जैसे कि अभी उसको सीखा नहीं, ऐसा उर्दू सीखने जा रहे हैं, अब उसकी हुरूफ़े तहजी है तो अभी उसको डायरेक्टली सीखा नहीं, लेकिन उसकी एक
काल्पनिक जुबान की आमोजिश की सबसे छोटी इकाई? मफरूजा जुबान, हाँ फर्ज करने वाली, कोई भी जुबान जैसे हो सकती है उसको इसलिए लिया जा रहा है फर्ज करने वाली। हुरफ तहजी से शुरू होती है, उसके अलावा एक मफरूजा जुबान की तमाम जुबानें एक ही तरीके से सीखी जाती है, कि एक फर्ज की गई मफरूजा की तमाम जुबानें जितनी भी रहेंगी एक ही तरीका सबका होगा। और जी में के एक मफरूजा के आमोजगार पहले हुरूफ और आवाज, फिर लफ्ज फिक्रों और फिर जुमलों के तवसुक से जुबान सीखते हैं। और दाल है कि एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे कि आवाज और हुरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। दाल जैसे लास्ट दाल सारे ऑप्शन 4 सर। तो इसको हम एक साथ दूसरे जवाब के साथ देखेंगे। नेक्स्ट है, दर्ज ज़ैल में से कौन अपने आप जुबान सीखने और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क है? अपने आप जुबान सीखना और जुबान की आमोजिश का बुनियादी फर्क। और जबान की इंग्लिश दुरुस्तगी और रफ्तार, रफ्तार और तलफ्फुज, रवानी और दुरुस्तगी, जुबान से साबिका। साली दुरुस्ती और रफ्तार। जी ऑप्शन ये ए दुरुस्ती जीम उसका है लास्ट वन, जुबान से साबिका, 22 का, जुबान से साबिका। जब अपने आप जुबान सीखना और जुबान से आमोजिश का बुनियादी फर्क ये रहेगा कि जुबान से साबिका, कि ग्रामर वगैरह के उसूल से उसको लगेगा कि जुबान से साबिका वो होगा डायरेक्ट। रफ्तार और तलफ्फुज तो यानी कि अगर उर्दू है तो ऐसा नहीं है कि उसकी रफ्तार कम है या फिर उसका तलफ्फुज नहीं अदा हो पा रहा, तो ये नहीं रहेगा। यानी मदर टंग में जरूरत नहीं रहती रफ्तार की, रवानी की और दुरुस्तगी की भी, करेक्टनेस, जो जैसे बोली सीखेगा तो मदर टंग के हिसाब से वैसे ही बात करेगा बोलियों के हिसाब से। तो दुरुस्तगी रफ्तार ये कंफ्यूज करने था सारा, रवानी और दुरुस्तगी, की किसी को लग गया कि रफ्तार से मतलब रवानी और दुरुस्तगी ये हो गया करेक्टनेस के तौर पर, और रफ्तार और तलफ्फुज ऐसा लग सकता है कि ग्रामर पढ़ने से दुरुस्तगी हो जाए, लेकिन जबान से साबिका ये उसका जवाब है। और उसके बाद में है इसका जो जवाब था वो भी जो है तो दाल है। दाल जैसे कि ऑनलाइन से भी आपने दिए थे जवाब, जितनों ने भी दिए थे दोनों मेथड से, कि एक मफरूजा के आमोजगार जुबान की आमोजिश जुबान की मुख्तलिफ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे कि आवाज, हुर्फ छोटी इकाइयां है उसको समझने से करते हैं। तो आज के दिन ये इतना हो गया, मीटिंग अभी खत्म हो जाएंगी जल्दी।